बोला। देखिए ये हमारे औरंगाबाद की महाराष्ट्र की संस्कृति है, तहजीब है कि हम भी कोई त्यौहार जब मनाते हैं तो सब साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से मिलने के लिए आया था और उनसे यही बात के ऊपर चर्चा की कि हमारी मदद कैसा चाहिए करके आप बताइएगा कि हम किस तरह से हमारे शहर के अंदर शांतता बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, अगर हमारी कुछ मदद लगती है तो आप हमें बताइएगा करके। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर, करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहां पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके हैं, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है, आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फिक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। ये सही बात है कि 99% लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो पीस लविंग सिटीजन्स होते हैं, 1% है जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और मज़हब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, हमको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने दे। तो तुम्हारा क्या भीती वाटते कि औरंगाबादचा वातावरण बिगड़ेल? देखिए मेरा नहीं है, मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या, तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये शहर सबका शहर है। भूंगा उतरवण्याची 3 तारखेचा अल्टिमेटम आणि त्यानंतर 1 तारखेची सभा MIM ची, कसं बघता या सगळ्याकडे आणि अल्टिमेटमवर तुमची प्रतिक्रिया? देखिए इसके बारे में महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने पूरे अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया है। अब हम ये मुद्दा जो है ये मुद्दे को हम चाहेंगे कि सरकार पुलिस प्रशासन जो है वो उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहे, जो कानून है वो कानून हमारे लिए कोई अलग नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं उसमें, लेकिन ऐसा जोर जबरदस्ती से ना करे तो मेरे हिसाब से वरना इसका कोई अंत नहीं रहे। राज ठाकरे जी बाबत एक पत्रक तुम्ही काढलेलं